हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ माधवी सिंह। आज मैं आपको बता रही हूँ कि हम स्टफ़ कुलचा किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन हो तो कुछ चटपटा बनना ही चाहिए। आप ऐसा बनाइए कि आपकी फैमिली याद करे और खुश हो फैमिली, और सब पसंद से खाएं भी उसको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने इसमें लिया है शिमला मिर्च। इसको मैंने थोड़ा लंबा लंबा सा काटा है, ये देखिए बारीक बारीक। फिर ये येलो वाली शिमला मिर्च, यहाँ ये रेड वाली। ये मशरूम लिया, मशरूम भी मैंने थोड़ी चपटी काटी है। टमाटो है। नेक्स्ट हमने लिया है ये पोटैटो। पोटैटो को मैंने इस तरह से फ्लैट काटा है, पतला पतला, क्योंकि ये सब्जी बहुत ज़्यादा नहीं पकती, खड़ी खड़ी सी रहती है, इसीलिए। यहाँ मैंने लिया है ये, आप देख रहे हैं, मैंने जो ये ओनियन में जो है अदरक, उसको मैंने अच्छे से पहले कुचल के रख दिया है, क्योंकि उसको महीन करके रखा है तो उससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा। और आप ये देख रहे हैं ये ग्रीन चिली है, और ये पनीर है, पनीर थोड़ा सा इसमें, ये क्रश करा हुआ पनीर है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा पनीर। ये देखिए, हमें थोड़ा ऑयल चाहिए होगा। और ये देख रहे हैं आप, ये है जीरा, ये आप देख रहे हैं मस्टर्ड सीड है, ये रेड चिली है, मोटी भी और देगी भी, गरम मसाला, हल्दी, और आप ये देख रहे हैं हींग, और ये काला नमक। ये हमारे हैं कुलचे, ये बाज़ार से मिले हैं। कुलचे तो वैसे हम घर में बना सकते हैं, क्योंकि ईस्ट और उसका काम है, वो मैं बाद में भी अब बताऊंगी आपको। ये मैंने आटे वाले कुलचे लिए हैं, और ये बाद में हमारा ये धनिया, ये जिंजर है जो लंबी लंबी काटी है मैंने, ये नींबू है, और हमें थोड़ा सा इसके अंदर चाहिए होगी, हमको ये सॉस चाहिए होगी ग्रीन वाली, और टमाटो सॉस चाहिए होगा हमें थोड़ा सा, और बटर। चलिए हम स्टार्ट करेंगे फिर। ये आप देख रहे हैं हमारा फ्राई पैन गर्म हो चुका है। जीरा, मस्टर्ड सीड, ओनियन, ओनियन बहुत ज़्यादा भूननी नहीं है, थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी रहेगी। पोटैटो, अभी हम ये सब सामान अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा पहले हम इसको कवर करके इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे। कुछ नहीं करना, बस इसको कवर करके अभी रख देंगे। देखिए हमारी सब्जी हल्की हल्की सी हो चुकी है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। ग्रीन चिली, मशरूम, शिमला मिर्च, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बनाइएगा, कितने लोग खा रहे हैं उसके हिसाब से देख लेना। शिमला मिर्च जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसका अपना एक फ्लेवर है, अपनी एक अरोमा होता है इसका, येलो शिमला मिर्च, ये रेड वाली।
हम इसको खड़ा खड़ा सब्जी रखनी है, इसलिए हम इसे कवर करके फिर रख। ये देखिए हमारी सब्जी हो चुकी है, हम इसमें मसाले डालेंगे, बाकी नमक, काला नमक क्या, थोड़ा सा हाथ से इसको धोड़ लीजिएगा। हींग, बाकी ये मसाले डाल दिए हमने। पनीर हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि पनीर बहुत जल्दी से इसमें सारा मिक्स हो जाएगा। हम लास्ट में डालेंगे पनीर। पनीर डालने के बाद ज्यादा नहीं चलाएंगे, इसको हम कवर करके रख देंगे। देखिए हमारी सब्जी हो चुकी है, मैंने इसमें धनिया डाल दिया और ये मैंने डाल दिया है जिंजर। देखो थोड़ा सा चिल्ली सॉस, टमाटो सॉस, चलाकर ये हमारा तवा गरम हो चुका है। मैंने बटर डाला, बटर डाल के मैंने इसको कुलचे को सेक रहे हैं। हम यहाँ से ज़्यादा सेकेंगे उल्टी तरफ से, क्योंकि बाहर से तो हम बाद में भी सेक सकते हैं। यहाँ पर हम ये सब्जी सेट कर देंगे आराम से। उसके बाद आप इसको आराम से लीजिए, गरम है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए, हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कुलचा बन चुका है। ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से काट दिया, क्योंकि बच्चों को अगर आप इस तरीके से काट के देंगे बच्चे बड़े खुश होंगे। ये मेरी टमाटो सॉस, ये मेरी धनिया पुदीने की चटनी, ये सब्जी मैंने अलग से रख दिया। अगर बच्चे खाना चाहें अलग से भी ले सकते हैं, आप भी बड़े खाना चाहें तो आप अलग से भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। और ये खीरा है, ये मैंने टमाटर का फ्लावर बनाया है, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, आप खाओ, बहुत पसंद आएगा आपको। अपने स्पाइस वगैरह जो मसाले वगैरह अपना देख के डाल लीजिए अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो। अगर आपको ये पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमेशा फलदार वृक्ष को ही लोग पत्थर मारते हैं। अगर कोई आपके लिए बुरा बोल रहा है तो आप उससे परेशान मत हो, क्योंकि आप अपने आप को फलदार वृक्ष ही समझिएगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आप पॉजिटिविटी को लेकर चलिए तो बहुत अच्छा रहेगा, आप भी खुश रहेंगे और आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ मेरे बेल आइकन को भी दबाइएगा, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिएगा। जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो डालती हूँ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपने से प्यार कीजिएगा। बाय।